Subscribe to Himanshu area tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello, everyone. Uh, this is Himanshu. Welcome you to the NCIT right Series, uh, which is completely dedicated uh, for those students who are going to appear in NEED 2022. That means next year. Okay. सो नेक्स्ट ईयर में जो भी बच्चे नीट में बेसिकली एग्जाम देने वाले हैं क्लियर नीट में अपेयर होने वाले हैं ये सीरीज स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी फुल्ली कवर करने वाले हैं साथ ही साथ पी वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम बीच बीच में करते हैं यहाँ पे क्लियर है ना अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करते कर, कर दोगे बेसिकली क्लियर है ना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम यहाँ हमारा टेलीग्राम का ये लिंक बेसिकली नाम है चैनल का इसे ज्वाइन कर लोगे इस पर रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और हमारा एक डॉट ग्रुप भी है डॉट ग्रुप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से डॉट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और अगर कोई भी क्वेरीज हो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो टाइप करके या फिर फोटो क्लिक करके ओके आई विल ट्राई माई वेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चन ओके सो जिम्नोस्पर्म शुरू करते हैं यहाँ पे ये यह हमारा बेसिकली प्लांट किंगडम का uh, तीसरा लेक्चर है शायद क्लियर है ना तो यहाँ पे देखो कि में क्या क्या चीज़ पढ़ना है जिम्नोसपम से पहले हमने देखो अलगी पढ़ लिया है हमने अलगी पढ़ लिया है हमने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है और हमने टेरिडोफाइटा भी पढ़ लिया है क्लियर है ना तो ये तीन चीज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है ओके अलगी में क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इनके जो बॉडी थे वो डिफ्रेंसिएटेड नहीं थे थाइलोइ लाइक बॉडी थे क्लियर है इसके बाद अगर ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में तुम्हारा थोड़ा बहुत डिफ्रेंसियेशन आया था बट यहाँ भी थैलस का फॉर्मेशन था ओके लेकिन यहाँ वैस्कुलर टिश्यू एबसेंट था टेरिडो में तुम्हारा वैस्कुलर टिश्यू तो आ गया था लेकिन यहाँ सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था क्लियर है ना अब जब हम जिम्नोसपम्प पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम सीड बनेगा बट द पॉइंट इज कि सीड तो बनेगा लेकिन ये नेकेड सीड बनेगा जैसा कि नेम यहाँ पे देखो सजेस्ट कर रहा है समझना यहाँ पेन्स नेकेड एंड एस्पामा मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया तुम्हारा कि जिम्नो का मतलब नेकेड होता है और एस्पामा का मतलब सीड होता है बेसिकली क्लियर है ना सो so, जिम्नोस्पर्म को अगर तोड़ दिए यहाँ पे तो नेकेड सीड बना प्लांट्स इन विच नॉट इनक्लोज बाई एन ओवरी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑबल्स होंगे, होंगे, तो uh, होंगे खुले होंगे क्लियर है ना बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाईजेशन फर्टिलाईजेशन के पहले भी ये ऑबल खुला होगा और फर्टिलाईजेशन के बाद भी ये ऑब्यूल खुला ही होगा एक्सपोज होगा क्लियर है सीड्स डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड जो फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद अगर कहीं प्री वर्ड यूज होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड और सीड okay? so जो बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी कवर्ड नहीं होंगे दैट इज नेकेड होंगे ओके okay? तो इन, इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये क्लियर है ना जो कहीं और तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा देन जिम्नोसफम इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्री यानी अगर इसमें ट्री आएंगे तो वो मीडियम साइज वाले आएंगे क्लियर है ना साथ ही साथ टॉल ट्री भी आएंगे तो टॉल ट्री मीडियम साइज ट्री दोनों ही आएंगे और साथ ही साथ ये सब्स आएंगे हब से जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना वो सब्स होते हैं क्लियर है ना तो यहाँ पे फिगर देख सकते हो 3.4 चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये देखो 3.4 का ए फिगर ये है साइकस है तुम्हारा दिस इज द पाइनस एंड दिस इज द जिंगो जिंको के बारे में एक चीज याद रखना इससे पता है लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेसिकली तो देखो मैं, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे बतला दिया इसे लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वन ऑफ द जिम्नोसफाम जान ट्रेड उड सिकवा इसे हाईलाइट करोगे हाईलाइट क्या करना है यहाँ पे वन ऑफ द जिम्नोसफाम दैन ट्रेड उड ट्री दट इज सिक्वा एक्चुअली जिसका नाम है इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसिज ये एक आ, मतलब टॉलेस्ट ट्री स्पेसिज में आता है और वो ये किसका एग्जाम्पल है तो जिम्नोस्पम के अंदर आता है क्लियर है ना द रूट आर जनरली टैप रूट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रूट कैसे होंगे तो जनरली टैप रूट होंगे देखो टैप रूट समझोगे थोड़ा सा टैप रूट समझना क्या होता है देखो टैप रूट में क्या होता है कि एक यहाँ पे इस तरीके से एक प्राइमरी रूट इस तरीके से ग्रो करता है क्लियर है ना और साथ ही साथ इसमें लेटरल रूट्स तुम्हारे ग्रो करते हैं क्लियर है इस तरीके से तुम्हारे लेटरल रूट्स ग्रो करते हैं यहाँ पे ओके और उसमें फिर और भी बेसिकली ब्रांचिंग होती है उस रूट में लेकिन द पॉइंट इज कि एक रूट यहाँ पे मेन रूट होगा प्राइमरी रूट होगा जो कि पेनिट्रेट करता चला जाएगा ग्राउंड uh, में सॉइल में क्लियर ना ताकि ज्यादा से ज्यादा एंकरेज मिल सके वैसे भी समझो देखो ये इसमें बड़े बड़े ट्री आ रहे हैं तो अगर फाइबरस रूट होगा तो ये उखड़ के फेंका नहीं जाएगा हवा की वजह से सही से सॉइल को बाइंड नहीं कर पाएगा उखड़ जाएगा वहां से क्लियर ना दैट मीन्स यहाँ एंकरेज चाहिए तो ये क्या प्रोवाइड करता है एंकरेज प्रोवाइड करता है वो भी ज्यादा क्लियर है ना एज कम्पेयर टू द रूट। तो यहाँ पे ये टैप रूट रहेगा याद रखना रूट्स इन सम ग्रीन लीफ ग्री जेनरा, रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे समझना फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा जो कि एग्जाम्पल है पाइनस का और दूसरा देखो साइकस में क्या है तो स्पेशलाइज रूट्स होते हैं जिसे कि कोरोलाइड रूट्स बोलते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं तुम्हारे एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन हल्का अलगी से ओके तो यहाँ पे ये दो पॉइंट जरूर याद रखना कि माइकोराइजल एसोसिएशन कहाँ मिलेगा तुम्हें तो पाइनस में मिलेगा क्लियर है ना और अगर बात करते हैं कोरोलाइड रूट कहाँ मिलेगा तो कोरोलाइड रूट तुम्हारा Psychus में मिलेगा जहां पे कि तुम्हारा एंटो फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ इसका एसोसिएशन है समझ में आया यहाँ तक यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं अभी तक आगे बढ़ते हैं द स्टीम आर अनब्रांच्ड इन साइकस एंड ब्रांच इन पाइनस फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट अनब्रांच कहाँ होंगे साइकस में होंगे ब्रांच कहाँ होंगे पाइनस में होंगे में होंगे क्लियर है ना लीव्स मे भी सिंपल और कंपाउंड लीप सिंपल भी हो सकते हैं कंपाउंड भी हो सकते हैं देखो सिंपल कंपाउंड थोड़ा सा समझोगे जैसे ये देखो तुम्हारा मान के चलो ब्रांच है यहाँ से ये ऐसे तुम्हारा पेट्योल निकला है यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड और इसी पे बेसिकली तुम्हारा इस तरीके से एक लीप जनरेट किया ये दिस इज द मिड रिप जो बीच में जा रहा है और इधर से तुम्हारे ढेर सारे इस तरीके से विंस वगैरह निकलते हैं ना फिर इसमें भी ब्रांचिंग वगैरह होती है क्लियर है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक दिस इज द सिंपल लीफ अब यहाँ पे देखो आगे दिया गया है कि साइकस में तुम्हारा पीनेट लीफ होता है तो पीनेट लीफ क्या होता है समझना पीनेट लीफ में इस तरह से एक ब्रांच निकलता है क्लियर है ना मेडरी भी समझ लो इसमें यहाँ पे एक लीफ होता है और बाकी लीफ जो होंगे ना तुम्हारे इस तरह से अरेन्ज होंगे क्लियर है यानी दोनों ही साइड अरेन्ज होंगे है? So, ये तुम्हारा पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है okay? तो थोड़ा सा ही दिस पिनेट लिफ एक और होता है पालमेटली कंपाउंड लीफ पिनेट लीफ इज द कंपाउंड लीफ एक्चुअली और एक होता है पालमेटली उसमें क्या होता है तुम्हारा एक इस तरह से आता है और यहीं पे इस तरह से तुम्हें तीन या पांच बेसिकली लीव्स देखने को मिलता है क्लियर है तो इस तरह के लीव्स वगैरह आगे मिलेंगे हमें पढ़ने को अभी टेंशन नहीं लेना है अभी ये पिनेट का मतलब समझ लो और इसे हाईलाइट कर लोगे एनसीआरटी में कि साइकस में क्या है तुम्हारा तो पिनेट लीव्स है क्लियर है ना विच परसिस्ट

द लाइक लीव्स रिड्यूसेस द सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया ये कम कर रहा है क्लियर है ना ताकि क्या हो कम से कम वाटर लॉस हो क्लियर है ना देर थिक क्यूटिकल इसके थिक क्यूटिकल होते हैं और संकेन एस्टोमेटा संकेन एस्टोमेटा का मतलब समझोगे पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे संकेन एस्टोमेटा का मतलब देखो अस्टोमैटा एक होता है कि लोअर सर्फेस ऑफ लीफ में विजिबल होता है तुम्हारा विजिबल इन द सेंस कि एक्सपोज होता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक्सपोज नहीं होगा एस्टोमेटा नॉट एक्सपोज यहाँ पे समझना एस्टोमेटा जो होगा नॉट एक्सपोज वो क्या होगा तो कुछ टिश्यू के अंदर धसे हुए से होंगे क्लियर है ना अंदर की ओर धसे हुए होंगे सो दैट मीन्स कि अगर देखो सरफेस पे होता है तो ज्यादा वाटर लॉस होता ना और यहाँ जो रेनफॉल होता है बेसिकली इन सब जगहों में जहाँ पे जिम्नोसफम खास करके पाए जाते हैं काफी कम होता है तो वहां पे वाटर का लॉस को रोकना है ना क्योंकि वाटर की प्रेजेंस ही कम है यहाँ पे क्लियर है तो इसीलिए यहाँ पे संकर्ण स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल है तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर बेसिकली क्या करता है तो ये दोनों मिलकर रिड्यूस करता है वाटर लॉस को दैट दैट एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन तो ये ट्रांसपिरेशन के रेट को कहीं कही ना कहीं कम करेगा ये चीज समझ में आया तो यहाँ पे स्टोमेटा एक्सपोज नहीं होगा बल्कि इनवर्ड होगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है तो जिमनोज स्पर्मा ये याद रखना है तुम्हें इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जो भी हो नेकेड ही होगा जो तुम्हारा ये ऑफ है क्लियर है ना क्योंकि ओवरी वाल नहीं है और सीड्स भी नेकेड ही होगा तुम्हारा क्लियर है सबसे बड़ा यहाँ पे जो ट्री है सिकवा ये याद रखना है तुम्हें क्लियर है ना इसके बाद बात करते हैं रूट्स जो होंगे वो टैप रूट होंगे ये याद रखना है तुम्हें इसके बाद माइक्रोराइजर एसोसिएशन पाइनस में है जि जिसका मतलब कि फंगल एसोसिएशन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि पाइनस का जो सीड है ना बिना फंगल एसोसिएशन के ग्रो ही नहीं करेगा क्लियर है यानी यहाँ पे चाहो तो लिख लो पाइनस सीड डू नॉट ग्रो विदाउट मंगल एसोसिएशन क्लियर है ना सो दैट इज यहाँ पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन उसके बाद कोरोलाइड रूट तुम्हें कहाँ मिलेगा साइकस में मिलेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड तुम्हारा साइकस का कोरोलाइड रूट होगा क्लियर है ना इसके बाद तुम्हारा ब्रांच जो स्टीम होगा ये पाइनस सेड्रस में और अनब्रांच होगा तुम्हारा साइकस में ये भी याद रखना है क्लियर है ना जहाँ पे तुम्हारा अः साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ पे क्या है तो अनब्रांसड रूट है क्लियर है और वही तुम्हारा पाइनस की अगर बात करते हैं जहाँ माइकोराइजल एसोसिएशन है वहाँ पे तुम्हारा ब्रांच रूट है इस तरीके से याद कर लो क्लियर है आगे बात करते हैं लीफ तुम्हारा सिंपल या कंपाउंड भी हो सकता है पीनेट कंपाउंड लीफ तुम्हारा साइकस में देखने को मिलता है साइकस में तुम्हारा पीनेट कंपाउंड लीफ मिल रहा है क्लियर है ना इसके बाद बात करते हैं तो निडिल लाइक लीप्स होते हैं कॉर्निफोर्स में थिक क्यूटिकल और संकेनस टोमेटा जो कि वाटर लॉस को बचाता है तो बस इतने ही पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद करने हैं इस पेज में आगे बढ़े द नेक्स्ट पेज हेयर इज द और हेट्रोस्पोरस अब हेट्रोस्पोरस याद आ रहा है हेड्रोस्पोरस मीन जहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं द फर्स्ट इज कॉल्ड मेगा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड माइक्रो और ये माइक्रो वाला जो होता है ये तुम्हारा मेल गैमेट बनाएगा मतलब मेल स्पोर क्लियर है ना और ये तुम्हारा फीमेल क्लियर है ये भी याद रखोगे तुम ओके okay? आगे बात करते हैं दे प्रोडसॉड माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर ये माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर इसकी प्लॉइडी क्या है तो एन है

स्ट्रीबलाई और यही जो स्टोर ये स्पोरोफिल होगा ये स्ट्रिबलाई या कोन बनाएगा तो इसमें दो तरह के कोन बनेंगे ना एक मेल कोन एक फीमेल कोन दैट इज मेल स्ट्रिबलाई एंड फीमेल स्ट्रिब्लाई तो मेल स्ट्रिबलाई में तुम्हारा क्या होगा स्पोरोफिल यानी मेल स्पोरोफिल बेसिकली उसे बोल सकते हो तुम तो स्पोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होगा क्लियर है और यहाँ पे ये कोन का फॉर्मेशन करेगा क्लियर है ना कौन तुमने देखा भी होगा शायद क्लियर है या फिर तुम नेट पे सर्च करना कौन क्लियर है ना या फिर चलो मैं करके ही दिखाता हूँ तो देखना यहाँ पे मैं आ, तुम्हें कौन दिखा रहा हूँ बेसिकली किस तरह से होता है देखो समझना यहाँ पे एक मिनट ये देखो बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे पहाड़ी इलाकों में जाओगे ना जब प्लांट्स तो ऐसे देखोगे ये देखो स्पायरली अरेंज होते हैं इस तरह से ढेर सारे तुम्हें दिख रहे होंगे ना स्पोरोफिल से यही सब तुम्हारे और ये तुम्हारा एक कोन की तरह फॉर्मेशन कर रहा है तुम यहाँ भी देख सकते हो फिगर में यहाँ भी देख सकते हो क्लियर है ना तो ये डिफरेंट टाइप के बेसिकली स्टेबलाई ही है क्लियर है ना यहाँ तक समझ में आया तुम्हें चलो आगे बढ़े फिर यहाँ तक समझ गए तो ये स्टेबलाई तुमने देख लिया तो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रिबलाई तुम्हें मिलेंगे मेल स्ट्रिबलाई एंड फीमेल स्ट्रिबलाई जिसमें स्पोरोफिल क्या होंगे तो स्पायरली अरेंज होंगे देख रहा था एक मेन एक्सिस से चारों तरफ तुम्हारे अरेंज थे क्लियर है ना और उसमें बेसिकली तुम्हारा प्रेजेंट होगा स्पोरेंजिया और एस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा तुम्हारा स्पोर अगर मेल स्ट्रिप है तो मेल स्पोर बनेगा जाकर अगर फीमेल स्ट्रिप है तो फीमेल स्पोर बनेगा कुछ कुछ प्लांट में देखोगे कि ये मेल फीमेल बेसिकली सेम ही प्लांट पे होगा और कहीं कहीं अलग प्लांट पे होगा दैट इज मोनोसियस एंड डायसियस कंडीशन तो उसे भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में तो यहाँ तक कौन समझा तुमने कौन यहाँ पे देखो समझ लो सिक्वेंस क्या है कौन समझ रहे हो कौन बेसिकली क्या है तो अरेंजमेंट है किसका स्पोरो का ये का अरेंजमेंट है इसके अंदर तुम्हारा क्या है तो इसके अंदर तुम्हारा है क्लियर है ना और इसके अंदर तुम्हारे बन रहे हैं स्पोर्स बन रहे हैं क्लियर है ना या यू कहो कि गैमेट्स बन रहे हैं हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर क्लियर है ना और यही बेसिकली स्पोर यहाँ पे दो तरह के देखो कौन भी तो तुम्हारे दो तरह के हो गए ना तो स्पोर भी तुम्हें यहाँ पे दो तरह के बन गए कौन दो तरह के कौन कौन से हो गए तो एक तुम्हारा मेल कौन एक तुम्हारा फीमेल कौन यानी मेल एस्ट्रिब्लाई फीमेल एस्ट्रिब्लाई तो इस तरह से स्पोर भी तुम्हारे दो बन जाएंगे एक तुम्हारा बन जाएगा देखो पहले मैंने मेल लिखा है ना तो पहले मैं माइक्रो लिख देता हूँ देन द सेकेंड वन इज मेगा क्लियर है यहाँ तक समझ में आया उसके बाद यही इसके अंदर बेसिकली तुम्हारे पॉलिंग uh, एग बनेंगे क्लियर like है ना जस्ट लाइक कंडीशन होता है जब पड़ोगे तो और डि -डि -डि में समझ में आएगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं देखो, अगर यहां है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टिब्लाई तो देखो यही था ना तुम्हारा एक मिनट रुकना हाँ, ये था ना तुम्हारा माइक्रो क्लियर है ना यहां पे क्या बोलोगे इसे माइक्रो अस्पोर क्लियर है ना और ये तुम्हारा मेगा या अस्ट्रिब्लाई भी बोलोगे तो मेल अस्ट्रिब्लाई फीमेल अस्ट्रिब्लाई या मेल कौन फीमेल कोन जो भी मन है तुम्हें बोलो इसे क्लियर है ना यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को आगे बढ़ते हैं इसके बाद Uh, तो ये हो गया मेल एस्टिबुलाई द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमिटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस अब यहाँ पे ये यह क्या होगा मेल गैमिटोफिटिक जनरेशन में ये डेवलप कर जाएगा माइक्रोस्पोर यहाँ पे जो ये माइक्रोस्पोर बना माइक्रोस्पोर क्या होगा तो ये डेवलप कर जाएगा तुम्हारा गैमिटो मेल गैमिटोफिटिक जनरेशन में मेल गैमिटोफाइट और यही रिड्यूस करके बेसिकली तुम्हारा बना देगा

आगे समझे गए यहाँ पे यहाँ पे देखो ये स्पोरेंजिया तो ये भी बेसिकली दो तरह का हो सकता है यहाँ पे ये भी तुम्हारा माइक्रो और मेगा होता है क्लियर है ना चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्लियर होगा द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल अब देखो फीमेल वाला यहाँ पे बस बताएगा मेगा स्पोरोफिल की अगर बात करते हैं विथ ऑबल और मेगा स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्टिबलाई या फीमेल कोन भी बोलेंगे द मेल और फीमेल कोन द मेल और फीमेल कोन और स्टेबलाइज मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री यहाँ पे समझना मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ द मेल एंड फीमेल कोनर्स बाय मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस सेम ट्री पाइनस हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल दैट इज फीमेल कोन एंड मेल कोन को मेल कोन लिख दिया यहां पे आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री तो यहां पे याद रखना है कि पाइनस में सेम ट्री पे साइकस में अलग अलग ट्री पे क्लियर है ना पाइनस में सेम ट्री पे साइकस में अलग अलग ट्री पे तो इसका मतलब समझ में आया तुम्हें पाइनस जो है ना वो तुम्हारा मोनोसियस है और साइकस जो है ना तुम्हारा वो डायोसियस है यानी यहाँ पे दो प्लांट बॉडी चाहिए तुम्हें मतलब मेल प्लांट बॉडी अलग मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग है तो डायोसियस एक्चुअली क्लियर है ना और मोनोसियस मीन क्या एक ही प्लांट में तुम्हारे दोनों ही है क्लियर है ना या यू को तो ये तुम्हारा बाई है और ये तुम्हारा यूनिसेक्सुअल है समझ में आ रहा है इस तरीके से भी ये तुम्हारा साइकस क्या है यूनिसेक्सुअल ना और ये पाइनस क्या है बाइसेक्सुअल ना समझ में आ रहा है यहाँ पे बाइसेक्सुअल को हम मोनोसियस भी बोलते हैं ये सारे टर्म्स तो क्लियर होंगे पहले से आगे बढ़ते हैं द मेगापोर मदर सेल इज डिफ्रेंसिएटेड फ्राम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस न्यूसेल्स बेसिकली क्या होता है तो न्यूसेलस बेसिकली तुम्हारे न्यूट्रेटिव यहाँ पे सब स्टांस न्यूट्रेटिव सेल्स होते हैं बेसिकली जो कि uh, तुम्हारे पॉलिंड को न्यूट्रिशन uh, प्रोवाइड करता है क्लियर तो मेगास्पोर मदर सेल जो होगा इस इज ए डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म डिफरेंटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ दिफ्रेंसिएट करेगा दूसरे विच में ग्रुपिंग बना सकता है क्लस्टर्ड हो सकता है और यही बेसिकली फॉर्म करेगा फीमेल कोन को क्लियर है ना तो मेगा स्पोरोफिल तुम्हारा फीमेल कोन बनाएगा और माइक्रोस्पोरोफिल तुम्हारा मेल कौन बनाएगा तो देखे देखी तो तो रहता ना माइक्रोस्पोरोफिल तुम्हारा माइक्रोस्पोरोपायरली अरेन्ज होके मेल कौन बना रहा था मेगा तुम्हारा क्लस्टर्ड फॉर्म में फीमेल कौन बना रहा है क्लियर है ना द मेगा स्पोर मदर सेल दैट इज दि डिविजन होगा यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म फोर तो यहाँ पे जो मेगा स्पोर होंगे उसकी प्लॉइडी एन हो जाएगी लेकिन मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी तुम्हारी टू एन हो जाएगी क्लियर है ना ऑन द मेगा वन वन ऑफ मेगा स्पोर इनक्लूज विध इन द मेगा स्प्रमजियम डेवलप इन टू ए मल्टी सेलर फीमेल गैमिटोफाइट यहाँ पे यह, फिर मल्टी सेल्युलर फीमेल गैमिटोफाइट में बेसिकली ये जनरेट और डेवलप हो जाएगा दैट बी एड टू और मोर आर क्या है भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओके द मल्टी सेलर फीमेलो फाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम यानी यहाँ फ्री लिविंग नहीं होगा क्लियर है ना यहाँ पे ये यहीं पे मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन रह जाएगा दोनों क्लियर है आया समझ में यहाँ तक आगे बढ़े हैं इसके बाद देखना अनलाइक ब्रायोफाइट्स मेल एंड फीमेलो फाइट डोट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग बता रहा था मैं थोड़ा देर पहले यहाँ पे क्या है जिम्नोस्टॉम द मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट डो नॉट है ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है बट दे रिमेन विद इन द द स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया ऑन में जो है उसी में ये प्रेजेंट रह जाएगा क्लियर है ना इसका कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे क्लियर है ना ना ही मेल गैमिटोफाइट का ना ही फीमेल गैमिटोफाइट का लेकिन वही अगर ब्रायोफाइट की बात करते हैं टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो वहां पे तुम्हें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस देखने को मिलता था द पॉलिंग रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बनेगा ना तुम्हारा ग्रेन माइक्रो जहां आ जाएगा समझना मेल गैमेट दे आर इन एयर मेलगांट देखो दे आर देरीड बाई एयर करेंट यहाँ पे याद रखना है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है तो एयर से हो रहा है क्लियर है ना इसे एनिमोफिली भी बोलते हैं ना तो यहाँ पे एयर से हो रहा है पॉलिनेशन इस बात को याद रखना है एंड कम इन कॉन्टेक्ट ओपनिंग ऑफ ऑफ यहाँ पे ये ऑब्यूल के ओपनिंग के पास आएगा विच इज वॉर्न ऑन मेगा तुम याद करो ऑव्यूल तो तुम्हारा फीमेल पार्ट है ना तो ये मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट है द पॉलेंट ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट पॉलन ट्यूब जो मेल गैमेट कंटेन कर रहा है ग्रो टूवर्ड्स आर्किगोनिया आर्किगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन उसकी ओर बढ़ेगा ग्रो करेगा इन द ऑब्यूल और क्या करेगा तो ग्रेन को डिस्चार्ज कर देगा नियर तो तो गया ना कंप्लीट अब इसके बाद क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इसके बाद जायगोट बनेगा एंड जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल जो ओव्यूल होगा वो तुम्हारा सीड में बदल जाएगा क्लियर है ना लेकिन The seeds are not covered. तो तक समझ में आया और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे तुम्हारा इंडोस्पॉम का भी फॉर्मेशन होता है बेसिकली लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना इंडोस्पॉम ना है, होता है इस बात को याद रखना क्योंकि क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन होते हैं ना उसमें बेसिकली दो न्यूक्लियस होता है तो वन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन यहाँ पे समझना वन ऑफ द न्यूक्लियस ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ग्रेन क्या होगा तो ये डी जेनरेट कर जाएगा डी जेनरेट एंड यही फॉर्म करेगा तुम्हारा इंडोस्पम क्लियर है ना ये तुम्हारा इंडोस्पम फॉर्म करेगा तो यहाँ पे इंडोस्पम कैसा होगा तो हैप्लॉइड होगा इसकी प्लॉइडी क्या होगी तो हैप्लॉइड होगी और ये करेगा कुछ नहीं बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तुम्हारे एम्ब्रियो को बेसिकली क्लियर है ना बस इतना ही रोल होता है तो अगर इंडोसपॉम की प्लॉइडी पूछी जाए तो सिंपल सा एन बतलाओगे तुम क्लियर है ना यहाँ तक समझ में आया तो यहाँ पे देखो बेसिकली एक काम करो तुम सारे पार्ट्स का ना जो प्लॉइडी लेवल है ना वो लिख लो कहीं पे क्लियर है ना क्योंकि वो डायरेक्टली तुमसे पूछा जाएगा यहाँ पे ओके सो so, मैं यहाँ पे एक वाइट पेज लगा कर तुम्हें बेसिकली सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ एक मिनट रुकना चलो ब्लैक पेज आया कोई बात नहीं यहाँ पे लिख लोगे तो देखो क्या किसकी किसकी प्लाइडी लेवल क्या क्या होती है वो समझना तो एक साइड हम मेल वाले का देख लेते हैं क्लियर है ना पहले तो मेल वाले पॉइंट में तुम्हारा सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट क्लियर है ना तो यहाँ पे लिखो स्पोरोपोरोट तो ये तुम्हारा टूवेन होता है अगर बात करते हैं गैमिटोफाइट की गैमिटोफाइट, ओके सो ये तुम्हारा एन होता है क्लियर है ना इसके बाद बात करते हैं अगर माइक्रो तो माइक्रोस्पोरोफिल तुम्हारा टू एन होता है क्लियर है ना इसके बाद तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी तुम्हारा होता है है ना इसके बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा ये पॉलिन मदर सेल है ना पॉलिन मदर सेल तो ये भी तुम्हारा टू एन होता है लेकिन पॉलिन मदर सेल से फिर तुम्हारा बनता है ना माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनता है तुम्हारा माइक्रो स्पोर तो ये तुम्हारा एन हो जाता है क्योंकि इसका बेसिकली चार सेल बनता है ना पॉलिन मदर सेल से यहाँ पे ये टू एन होता है एंड इट फॉर्म्स फोर माइक्रोस्पोर यहाँ पे चार माइक्रोस्पोर बनाते हैं और ये माइक्रोस्पोर तुम्हारे हेप्लॉयड होते हैं क्लियर है ना तो यहाँ पे तुम्हारा माइक्रोस्पोर हो गया अब इसी को तो तुम पॉलिन ग्रेन बोलते हो ना तो यहाँ पे तुम पॉलिन ग्रेन भी लिख सकते हो कि ये भी क्या है तो हैप्लॉइड है क्लियर है और यहाँ पे मेल गैमिटोफाइट तो मैंने लिखा दिया था बिल्कुल यहां पे है ओके सब कुछ हो गया है है अब अगर फीमेल की बात करते हैं इधर क्लियर तो फीमेल वाले पार्ट में देखना यहाँ पे भी तुम्हारा फीमेल स्पोरोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट होगा तो यहाँ पे भी सेम ही होगा जो अलग होगा पार्ट जो पॉइंट्स अलग होंगे ना बेसिकली वो मैं लिखा देता हूँ जैसे यहाँ पे भी तुम्हारे मेगा स्पोरो होंगे ना मेगा और एक मेगा स्पर तो ये तुम्हारे टू एन टू एन होते हैं क्लियर है ना इसके बाद होता है तुम्हारा आ, यहां पे होता है मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल तो ये भी तुम्हारा टू एन होगा जैसे मदर सेल था क्लियर है ना वैसे ही मदर सेल अब इससे देखो बनेगा मेगा तो इससे जो मेगा ये तुम्हारा एन हो जाएगा क्लियर है ना या फिर तुम ऑबल की बात करो तो ये भी तुम्हारा एन हो जाएगा या फिर तुम न्यूसेलस की बात करो तो ये भी तुम्हारा एन हो जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इसे याद रखना इंडो स्पॉम की अगर बात करते हैं तो इंडोस तुम्हारा क्या हो जाता है ये भी यहाँ पे यहाँ पे खास करके तुम्हारा के है है के है क्लियर ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसे स्टार मार्क कर दिया है सो दीज आर द द्लोइडी लेवल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसे एक बार स्क्रीन शॉट ले लोगे क्लियर है ना ओके चलो इसके बाद देखते हैं अब देखोगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है यहीं तक था हमारा जिम्नोस्पर्म क्लियर है ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के और उसके बाद तुम देखोगे आगे तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है पाइनस या जिम्नोसफॉर्म की बात की जा रही है द तो हेप्लॉय स्ट्रक्चर आर कौन है जो सिर्फ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर से यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मैंने अभी अभी लिखाया था ना तुम्हें तो यहाँ पर देखो मेगा स्पोर की बात कर रहे हैं तो ये तुम्हारा एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेगा तुम्हारा एप्लॉइड हो जाएगा इंडोसफॉर्म भी अप्लॉइड हो जाएगा लेकिन एम्ब्रियो तो तुम्हारा डिप्लॉइड होगा ना एम्ब्रियो मैंने लिखाया था कि नहीं अगर नहीं लिखाया था तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब बनेगा तो आ, मिलेगा तो एम्ब्रियो ही बनेगा ना बेसिकली यहाँ पे समझना मेल गैमेट क्लियर है ना प्लस फीमेल गैमेट यानी वही माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जिसकी बात कर रहे हैं जब ये मिला तो इज इक्वल टू तुम्हारा जाइगोट हो गया तो जाइगोट की प्लॉडी तो 2n होगी ये तो समझने वाली बात है और जाइगोट से ही तुम्हारा फिर एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो की भी तो प्लॉइडी टू एन ही होगी ना इसके बाद फिर तुम्हारा सीड बनेगा तो सीड की भी तो प्लॉइडी टू एन ही होगी ना तो चलो ये भी चीज़ मैंने लिखवा दिया यहाँ पे अब तो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ये टू एन हो गया इसलिए ये गलत हो गया आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो मेगा स्पोर तो चलो एन है पॉलिन uh, ग्रेन चलो एन है और इंडोसफॉम भी देखो एन है मैंने बताया था ना यहाँ पे इंडोसफॉर्म जो होता है जिम्नोसफॉर्म में वो एन होता है सो so, आंसर तो तुम्हारा बी ही जाने वाला है क्लियर है ना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए देखो रूट्स वगैरह आ, आ रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट्स आ रहे हैं तुम्हारे तो ये सब तो डिप्लॉयड होते हैं ना रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे भी क्लियर है लीफ आ रहे हैं तुम्हारे ओके okay? तो so, ये सारे क्या होते हैं डिप्लॉयड होते हैं सो द आंसर विल बी बी ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं ये देखो 89 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बाद 92 में क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा प्लांट तो है लेकिन फ्लावर नहीं है और नहीं fruit है, मतलब uh, नहीं है. तो तो ना तो, तो ही फ्रूट है तुम्हारे क्लियर है ना तो तुम कहाँ आ जाओगे जिम्नोस्पम में आ जाओगे क्लियर है ना आगे बढ़े विच वन इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म एडवांस्ड फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देखो एडवांस्ड फॉर्म पूछ रहा है ना तो एडवांस्ड फॉर्म देखो तुम्हारा समझना जैसे तुम पढ़ते हो ना थैलोफाइटा, थैलोफाइटा देन ब्रायोफाइटा देन टेरिडोफाइटा देन जिम्नोस्पर्म देन तुम्हारा एंजियोस्पर्म क्लियर है तो ये तुम इवोल्यूशन को ही तो पढ़ रहे हो ये ऊपर से नीचे जो जा रहा है ये इवोल्यूशन ही है बेसिकली क्लियर है ना जैसे जैसे इवॉल्व होता गया वैसे वैसे ही तुम पढ़ते हो क्लियर आगे तुम एनिमल किंगडम भी पढ़ोगे ना तो इसी इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे बेसिकली इवोल्यूशन को पॉइंट में रखते हुए तभी तो फाइलोजेनेटिक्स यहाँ पे आते हैं ना पॉइंट्स तो यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि कौन किसका किसका एग्जाम्पल है और उसके बाद जो भी तुम्हें सबसे हायर प्लांट स्पेसिस मिले वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्लियर है तो देखोगे यहाँ पे कौन कौन से किसके एग्जाम्पल है सेलिजनेला जो है तुम्हारा ये तुम्हारा टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया तो फ्यूनेरिया तुम्हारा पॉलिट्रिकम या फिर आ, तुम्हारा स्फेगनम ये सारे एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारे मॉसेस के, के ना और मॉसेस तुम्हारा कहाँ आता है तो ब्रायोफाइटा में आता है देन क्लेमाइडोमोनास ये तो तुम्हारा इज ग्रीन है ना ये ये तुम्हारा ग्रीन अलगी है ये तो सबसे पुराना है और पाइनस तुम्हारा देखो जिम्नोस्पर्म है तो सबसे ज्यादा एडवांस तो तुम्हारा ही है ना इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी देखो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं है क्वेश्चन में इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें बस डराने के लिए लगाया था इसमें बस सिंपल सा पूछ रहा था कि इनमें से कौन जिम्नोस्पम का एग्जाम्पल है या फिर यू कहू की प्लांट किंगडम में जो सबसे ज्यादा एडवांस है उसका एग्जाम्पल है तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा एडवांस फिलहाल ही है ना हाँ अगर यहाँ पे कोई एंजोस्पम का एग्जाम्पल होता तो फिर हमारा आंसर वो चला जाता क्लियर है ना चलो आगे बढ़े फिर

जहाँ पे कि तुम्हारे गर्मी ज्यादा पड़ता हो क्लियर है ना सो दैट इज जीरो फाइट का ये बेसिकली प्लांट है uh, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक uh, है क्लियर है ना क्योंकि वहीं पे तुम्हारा वाटर लॉस को रोकना होगा ओके तो ये चीज समझ गए हेलोफाइट तुम्हारा नहीं होगा हेलो तुम्हारा वो होते हैं जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं मीजोफाइट तुम्हारे नॉर्मल वाले होते हैं और हाइड्रोफाइट तुम्हारे वाटर में ही रहने वाले होते हैं तो यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है क्लियर है ना सो द आंसर विल बी जीरो पे वाटर लॉस ज्यादा होगा इसलिए होगा धसा हुआ सस्टोमेटा होगा ताकि यहाँ पे वाटर लॉस कम से कम हो सके समझे चलो आगे बढ़ते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन टू फाइव एंड आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी ऑफ देवर स्टेटमेंट आर करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे कितने हैं ओके okay, चलो देखते हैं यहाँ पे तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं आ, इन इक्विसेटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेंड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट यह स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल सही है इक्विसेटम में क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट रिटेंड होता है तुम्हारे पेरेंट स्पोरोफाइट पे क्लियर है ना देन द दे सेकेंड वन इज जिंगो की अगर बात करते हैं तो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट तो देखो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होता है क्योंकि जिंगो तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है जिम्नोसफॉर्म का है ना जिम्नोस का एग्जांपल है और यहाँ पे फ्री लिविंग बिल्कुल नहीं होता है तो ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा सही है आगे बात करते हैं द स्पोरोट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन इन पॉलीट्राइकम तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है ये उल्टा होना चाहिए था कि द स्पोरोट इन पॉलीट्राइकम इज मोर डेवलप्ड देन इन रिक्सिया तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट समझ गया गलत हो गया आगे बढ़ते हैं आ, sexual reproduction is तो यहाँ पे ये आइसोगेमस नहीं होता है बल्कि यहाँ पे जो होता है तुम्हारा आ, ये तुम्हारा उगैमस होता है क्लियर है ना दिन द स्पोर्स ऑफ स्लाइमोड लैक सेल वॉल तो यहाँ पे सेल वॉल लैक नहीं करता है बल्कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लियर है ना यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है वो भी ट्रू सेल वॉल क्लियर है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही है पहला और दूसरा सो आंसर विल बी ऑप्शन ए यहाँ तक समझ में आया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू एंड आंसर द क्वेश्चन देम और क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पे भी कितने स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है एक मिनट सिक्स क्वेश्चन डाला कि नहीं ये फिफ्थ था ना फिफ्थ के बाद सिक्स नहीं है चलो कोई नहीं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है इन लिवोबर्ट्स मोसेज एंड फंड कैमिटोफाइट्स आर फ्री लिविंग देन जिम्नोसम एंड सम फंड आर हेटरोस्पोरस देन ए प्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉलवॉक्स एंड एल व्यूगेज देन स्पोरोफाइट इन लिवोबर्ट्स इज मोर इलेबरेट दैन इन मॉस देन इसके बाद क्या है बोथ पाइनस एंड मार्किसिया डायासियस मे देन हाउ मेनी ऑफ देवर स्टेटमेंट आर करेक्ट ओके तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहला क्या था लिवोबर्स मॉस और फंस तुम्हारे फ्री लिविंग एमिटोफाइट है ये बिल्कुल सही है तुम्हारा स्टेटमेंट सम एंड्रोसपोरस बिल्कुल हेट्रोसपोरस होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स निकलते हैं यहाँ पे एक तुम्हारा मेगा स्पोर्ट माइक्रोस्पोर्ट तो देखो फॉन्स तुम्हारे टेरिडोफाइट में आते हैं और जिम्नोफ्रम तुम्हारे जिम्नोस्पम होते हैं तो इन दोनों जगहों पर तुम्हें हेट्रोस्पोरस मिलता है देन एसेक्सुअल प्रोडक्शन फ्यूक वॉल्वॉक्सर एल्बुगो में उगामस होता है बिल्कुल सही है तुम्हारा पीछे पड़े भी थे देन द स्पोरोट इन लिवरबर्ड्स इज मोर एलेवरेड मॉस ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है ये उल्टा दे रखा है क्लियर है ना इसका अपोजिट कर लोगे ना तो ये सही हो जाएगा कि स्पोरोफाइट तो आगे बढ़ते हैं पाइनस है, तो तो तुम्हारा है, मोनोसियस होता है अभी अभी थोड़ा देर ही पहले बताया था क्लियर है ना ये पाइनस में क्या है तो मेल स्टिबलाई और फीमेल स्टिबलाई सेम ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं बाई मोनोसियस होता है क्लियर है ना तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गलत हो गए तो सही कितने हो गए तीन हो गए विल बी Actually. आगे बढ़ते हैं हैं किसके vegetative part में तुम्हारे present होते हैं, ओके? तो देखोगे पे तुमने एक बेसिकली याद करो को, रूट के बारे में कुछ पढ़ा था मैंने बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखो घुमा के वही क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो कोरोलवाइड रूट था तुम्हारा कहाँ साइकस में तो यहाँ पे याद करो तुम्हारा एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया का एसोसिएशन था जो कि तुम्हारा एक साइनोबैक्टीरिया था याद आ रहा है कुछ नहीं याद आ रहा है तो मैं पीछे दिखा भी दूंगा क्लियर है ना तो यहाँ पे ये आंसर तुम्हारा साइकस होगा पाइनस में तो तुम्हारा याद करो यहाँ पे फंगस का एसोसिएशन होता है यहाँ पे फंगस साथ में प्रेजेंट होते हैं और मैंने एक लाइन लिखा था कि पाइनस का सीड बिना फंगस के ग्रो नहीं कर सकता है चलो देखो दिखाता हूँ तुम्हें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से देखो यहाँ देखो मैंने एक पॉइंट लिखा था सी डू नॉट ग्रो विदाउट फंगल एसोसिएशन क्लियर है ना और यहाँ कोरोलाइड रूट याद करो यहां से देखो साइकस स्मॉल रूट्स कॉल्ड कोरोलाइड कोरोड विध एन टू फिक्सिंग बैक्टीरिया समझ रहे हो क्वेश्चन कहा से आ रहा है एनसीआर के लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर साइकस हो जाएगा आगे बढ़े आर रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटमेंट जो सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है ओके okay? तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चनिज्म टू कोलोनाइज ए बियर रॉक क्लियर इज ए होमोसपोरस टेरिडोफाइटा देन कोरोस है वी ए एम बताता हूँ भी क्या होता है देन मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमिटोफिटिक Present within sporangia, located on sporophyte. Okay? तो देखोगे यहाँ पे आ, के बारे में बोला गया कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम होते हैं जो कि रॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं तो बिल्कुल सही है ये क्लियर है ना ये तुमने मॉस वाले में ही पढ़ा था क्लियर है आगे बात करते हैं तो सेलिजनेला एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो सेलिडिजिलेना एक टेरिडोफाइट तो है लेकिन होमोस्पोरस नहीं है बल्कि ये कैसा है तो ये स है यहाँ पे तुम्हें दो टाइप के स्पोर्स बनते हुए दिखते हैं क्लियर है ना देन कोरोड रूट साइकस में होते हैं बिल्कुल लेकिन इसमें बोला गया कि वीए एम होता है वीए एम एक्चुअली माइकोराइजल एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन को बोलते हैं क्लियर है ना लेकिन यहाँ पे याद करो माइकोराइजल एसोसिएशन तो तुम्हारा पाइनस में होता है ना तो यहाँ साइकस में क्या होता है

Uh, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ोगे ना वहाँ और भी क्लियर हो जाएगा इन जिम्नोसफॉर्म्स मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइड प्रेजेंट विद इन एसपुरजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट बिल्कुल ये याद करो फ्री लिविंग नहीं होते हैं स्पोरेंजिया में ही परसिस्ट करते हैं क्लियर है ना तो so, दूसरा और तीसरा तुम्हारा गलत है तो कितने सही हो गए हैं तीन ना और पहला चौथा और पांचवा सही है सो आंसर विल बी ऑप्शन बी आगे बढ़ते हैं

तो देखना है यहाँ पे ब्राउन अलगी में ए सी और होता है। ये तुम तो का जो लिस्ट बना रखा है ना अलगी वाला वहां पे तुम मिला सकते हो क्लियर है ए भी तुम्हारा होता है देखो ऐसे याद किए थे ना ए के साथ बी होता है तुम्हारा ग्रीन अलगी में दैट इज क्लोरोफाइसी में क्लियर है ए के साथ सी होता है तुम्हारा ब्राउन अलगी में दैट इज फियोफाइसी में क्लियर है ना और ए के साथ सॉरी स्मॉल है ए के साथ डी होता है तुम्हारा रेड एल्गी में, में याद आ रहा है कुछ इस तरह से मैंने याद करवाया था इसके साथ साथ और भी पिगमेंट्स होते हैं याद करवाया था तो यहाँ पे देखो ए और सी तुम्हें मिल रहा है ब्राउन अलगी में आ, आ, इसके साथ साथ भी बिल्कुल सही है ना यहाँ पे फ्यूको जैंथिन क्लियर है ना जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथीन ओके और यहाँ पे को िन प्रेजेंट होता है तो ये तो सही है तुम्हारा ओके देन आगे बात करते हैं आर्की गोनिया, और फाईटा, फाईटा और बिल्कुल सही है। गोनिया से एक ऑर्गन होता है जो कि ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा और जिम्नोस्पम तीनों में ही प्रेजेंट होता है तो ये भी तुम्हारा सही है देन म्यूकर हैज बाई फ्लैजलेटेड जूअसपोर यहाँ पे ये स्टेटमेंट समझना तो म्यूकर तुम्हारा क्या है म्यूकर एक तुम्हारा फंगी है क्लियर है ना और फंगी में में भी तुम्हारा फाइकोमाइसिटीज है क्लियर है ना और फाइकोमाइसिटीज तुम्हारे ए प्लानोस्पोर बनाता है यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होगा क्लियर है ना नॉन फ्लैजिलेटेड यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो नॉन फ्लैजिलेटेड

देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है इज वन ऑफ द दस्ट ट्री याद करो सबसे पहले ही आया था तुम्हारा क्लियर है ना Shikwa या रेड uh, क्या इसको बोलते थे uh, कुछ रेड uh, करके कुछ बोलते थे ना मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा तो इसे सिक्वा बोलते हैं क्लियर है ना रेड ट्री हाँ, यही तो बोलते थे बेसिकली ओके द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल टू एक्सट्रीम इन एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट तो जिम्नोसफाम में तो लीव एडेप्टेड होते ही है बेसिकली के लिए रहना जिम जी, जिम्नोसफॉम ओके आगे देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये नॉट बेल एडप्टेड बोल रहे ना तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ओके जिम्नोस्पामा बोथ होमोस्पोरस एंड्रोस्पोरस हेट्रो, तो होमोस्पोरस नहीं होते हैं सिर्फ हेट्रोस्पोरस होते हैं तो ये भी गलत हो गया तुम्हारा देन सेल्विनिया जिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोसफाम तो यहाँ पे ये सेल्विनिया तुम्हारा क्या है सेल्विनिया तुम्हारा टेरिडोफाइटा है क्लियर है ना देख सकते हो तुम यहाँ पे, ओके? जिंगो तुम्हारा तो है बस, mismatch, ओके? मिस मैच जो है से, उसे सिलेक्ट करते हैं ओके देन यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है समझना तो देखना है यहाँ पे पाइनस के बारे में दिया गया डायसियस जबकि ये गलत है पाइनस क्या होता है तुम्हारा मोनोसियस होता है ना यहाँ पे याद करो तुम्हारे मेल एंड फीमेल स्ट्रेबलाई स्ट्रोबिलाई स्ट्रोबिलाई ये क्या होते हैं तो सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं तो मोनोसियस या इसी को बाइसेक्सुअल बोलते हैं क्लियर है ना ओके देन uh, साइकस तुम्हारा डायसियस बिल्कुल सही है सेल्विनियम हेट्रोस्पोरस बिल्कुल सही है होमोस्पेरस बिल्कुल सही है ये तुम्हारा टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है ओके okay? सो so ये बाकी के स्टेटमेंट सही है तुम्हारा कौन सा हो गया ए हो गया आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay? तो देखना यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है हॉर्स टेल्स या जिम्नोसफर्म तो देखो हॉर्स टेल्स और तुम्हारे फंस जो होते हैं ये दोनों तुम्हारे टेरिडोफाइट होते हैं क्लियर है ना तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया जिम्नोस्पर्म नहीं होगा तो, तो ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा गलत हो गया आगे बढ़ते हैं ऑब्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई ओवरी वॉल इन जिम्नोसपम ये देखो तुम्हारा सही है क्लियर है, तो है ना जिम्नोसपम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे ओवरी वॉल से इंक्लोज नहीं होंगे तभी तो सीड नेकेड होते हैं ना स्टीम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस देखो साइकस में तो अनब्रांच्ड है तुम्हारा लेकिन सेड्रस में तुम्हारा ब्रांच्ड होता है सेड्रस में तुम्हारा ब्रांच्ड होता है क्लियर है ना सेड्रस पाइनस इन सभी में तुम्हारा ब्रांच होता है ओके तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हो हो गया सी ओके तो यहाँ पे देखे कि क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आ रहा है सिंपली एनसीआर से यहाँ आ रहा है उठा के क्लियर है ना बस सारे पॉइंट्स को तुम्हें क्या करना है तो दिमाग में एकदम से रखना है तभी तुम्हारे क्वेश्चंस बन पाएंगे अदरवाइज वहाँ पे तुम्हें बुक नहीं होगा प्रेजेंट एग्जामिनेशन हॉल में कि तुम इधर उधर से खोज सकते हो तुम्हें सारे पॉइंट्स ने इवन प्रीवियस जो चैप्टर तुमने पढ़े हैं जैसे एल्गी वगैरह फंगस वगैरह देख रहे थे उधर से भी पॉइंट्स आ रहे थे और आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना तो फिर सारे चैप्टर को कहीं ना कहीं मिक्स करेगा क्वेश्चन बनाने वाला क्लियर है ना वो ऐसे ही कोई सिंपल सा आदमी तो नहीं बैठा है ना कि हाँ एक लाइन से क्वेश्चन बना दिया वो पता है पूरे चैप्टर का चैप्टर का पॉइंट डाल देता है वहां पे एक से दूसरे चैप्टर का पॉइंट डाल देता है क्लियर है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ और ज्यादा कंफ्यूज होने के चक्कर में आंसर गलत करके आ जाओ क्लियर है ना उसका एक ही मोटिव होता है कि तुम आंसर गलत करो और तुम्हारा क्या मोटिव होना चाहिए कि तुम आंसर सही करो तो सही कब करोगे जब सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में होंगे एट दैट मोमेंट और वो तभी पॉसिबल है जब तुम रिवीजन करो रिवीजन करो और वो भी बार बार रिपीटेड रिवीजन क्लियर है ना रिपीटेड रिवीजन इतना रिवीजन करो तब तक रिवीजन करो जब तक कि तुम्हारा एनसीईआरटी का जो पेज है ना वो रोने लग जाए कि भाई अब तो बस कर है ना तो तब तक रिवीजन करो तुम क्लियर है ना बुक को जितना गंदा करना है कर दो क्योंकि बुक तुम्हारा गंदा होगा एनसीआरटी तभी तुम्हारा दिमाग साफ होगा उन सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे क्लियर है ना और फालतू तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है एन के अलावा क्लियर है तो यहां तक तुम्हें समझ में आया आगे देखते हैं आप इसके बाद देखो हमें पढ़ना है एनजीओस ओके तो ऐसा करते हैं अब इस एनजीओस फॉर्म और साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन दो टॉपिक को क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर देते हैं नहीं तो फिर ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और तुम बोर भी हो जाओगे पढ़ते पढ़ते क्लियर है ना तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को लाइक करते जाओगे दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो यहाँ पे क्लियर है ये हमारा टेलीग्राम का बेसिकली नाम है और लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा एक डॉट ग्रुप भी है इस डॉट ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे जहाँ पे तुम क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट कर सकते हो क्लियर है ना तो मैं कोशिश करूँगा टाइम मिलने पर आंसर देने का क्लियर है ना और साथ साथ इसके जो एम सी क्यू वगैरह हो रहे हैं वो साथ में हम करवाते चलेंगे अलग से भी एक तो ये जो प्री पी वाई क्यूज़ हैं वो तो हम चैप्टर में ही करवा देते हैं और बाकी के क्वेश्चन भी अलग से करवाएंगे उसमें भी दोबारा से भी इन पी वाई क्यूज़ को हम वहाँ पे रखेंगे क्लियर है ना तो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ओके